से एक और दुख भरी खबर ने लोगों को निराश कर दिया है। सबके दिलों में छाए हुए मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बप्पी दा जितना अपने हिट नंबरों के लिए जाने जाते थे, उतना ही उनके सोने के प्रति लगाव के लिए भी लोग उन्हें जानते थे। बप्पी लहरी ने डिस्को डांसर, हिम्मत वाला शराबी, एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, डांस डांस, सत्यमेव जयते, कमांडो, थानेदार, शोला और सवनम जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए थे। आपको बता दें, उनका पहला बड़ा बॉलीवुड हिट स्कोर आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी के लिए था। पिछले दशक में बप्पी लहरी ने द डर्टी पिक्चर्स के लिए ऊलाला गाया था, जो सभी की जवान पे रट गया था। वहीं गुंडे के लिए तूने मारी एंट्रियां और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए तम्मा तम्मा उनके द्वारा गाए गए सुपरहिट सॉन्ग हैं। हाल ही में शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए उन्होंने अरे प्यार कर ले जैसे गाने गाए। आखिरी बार 2020 की फिल्म बाघी 3 के लिए उन्होंने भंकस गाना गाया था, जिसको दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया गया। बप्पी लहरी ने पुराने क्लासिक्स को रीमेक करने का दौर चला दिया था। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में गाए गए अपने गाने तम्मा तम्मा के बारे में कहा था कि मेरे इस गाने के बाद से लोगों में रीमेक सुनने का चलन शुरू हो गया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जनता की पसंद सबसे बड़ी पसंद है, जनता ही मेरा सब कुछ। आपको बता दें, पिछले साल बप्पी लहरी को COVID-19 से भी होकर गुजरना पड़ा था, जहां उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उस समय बप्पी ने अपने खराब स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों को खारिज कर। एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं, बप्पी लहरी मात्र 3 साल के थे जब उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। असल में उनके माता पिता अपरेश लहरी और बांसुरी लहरी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन थे। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वह 22 करोड़ की है, तो वहीं वह अपने एक गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। बप्पी लहरी ने अपने 48 साल के करियर में 500 फिल्मों में 5000 से ज़्यादा गाने कंपोज किए और गाए। खैर, एक और बात आपको बताते हैं, किशोर कुमार की मौत के बाद बप्पी लहरी म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे। किशोर कुमार को वह मामा कहकर बुलाते थे, तो वहीं उनके भाई ने उनको अपना करियर आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित किया और कहा, आप पर मामा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो ये थी बप्पी लहरी से जुड़ी कुछ बातें। वी नेशन की टीम बप्पी लहरी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देती है और वे हमेशा सभी के दिलों में बने रहेंगे।